एक बार मैं पूरा इसका लेके फिर बात करता हूँ जरा से। अब बताइए आपने ट्रैक्टर कहाँ से लिया? ये ना डीसीएम पे है ना आयशर कंपनी जयपुर से दासी लाइशर से। हाँ डीसीएम पे है ना एक। हाँ दासी लाइशर करके कंपनी है जो मेन इसको लेने का कारण डीजल के एवरेज की वजह से। दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले कितना फर्क आता है इसमें? 200-300 ग्राम का फर्क आता है। 200-300 ग्राम का कितनी देर में? घंटे भर में। तो दिन भर में आपका कितने की मतलब रुपए की मैं बात करूं तो कितने रुपए की बचत हो जाती होगी दिन में दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले? 100-200 रुपए करीबन बचा लेते हैं हम इससे। 200 रुपए एक्स्ट्रा बच जाता है और ट्रैक्टरों के मुकाबले में। बाकी इसकी परफॉर्मेंस वाइज ये जो आपने एप्लीकेशन लगाई है पोल गाड़ने की वो ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी है, दूसरों के मुकाबले बराबर काम करता है। हाइड्रोलिक अच्छा काम करता है इसका हाइड्रोलिक बहुत बढ़िया है। और इसके इंजन की ताकत अच्छी है इसकी? और दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले इसके इंजन की ताकत कैसी लगती है इसके बराबर के ट्रैक्टरों में? मैंने बराबर का तो चलाया नहीं। जैसे आप अभी 241 या जॉनडियर की बात कर रहे थे, यदि 4500 हॉर्स पावर का वो ट्रैक्टर है तो उसके मुकाबले इस ट्रैक्टर की कॉस्ट ज्यादा है सर। उनकी कॉस्ट ज्यादा है लेकिन ताकत में ये उनसे पीछे रहता है? हम नहीं है पीछे, इसकी ताकत कम पीछे नहीं है, उनसे ज्यादा ही है इसकी। हर लगाया है मैंने, हर जोत के आया खेत का उसको। अच्छा ये तो बाद में लगाया मैंने, पहले खेत जोता है इससे। अच्छा पहले भरपूर लेके गया था खेत जोत के, जिसके बाद में लगाया इसको। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये आपने फुली लोडेड वाला ट्रैक्टर लिया है? मैंने 60 दिन खेत जोत के आया था। अच्छा और अभी तक टायर भी ऐसी ही है, कोई अंतर कुछ नहीं आया। बिल्कुल नया ही लग रहा है आज आप कह रहे हो। 8-9 महीने हो गए? 9 महीने हो गए। ठीक है, धन्यवाद।